कर्मयोग क्या है अच्छे से समझ लो, ताकि बाद में फंसो नहीं, कोई गलत फहमी ना हो। क्योंकि कर्मयोग के नाम पर कर्मयोग की न जाने कितनी ही अंडबंड परिभाषाएं चल रही हैं और लोग उन्हें ही सही समझ रहे हैं। और सबसे प्रचलित जो परिभाषा है कर्मयोग की, वो तुम्हें भी पता होगी, क्या कहा जाता है? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कितनी भयानक परिभाषा ये, समझ रहे हो? कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अर्थात कर्म करो, कर्म चाहे कुछ भी हो, ये मत देखो कर्म क्या है, कर्म कुछ भी हो बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात कोई चोर चोरी कर रहा है तो वो कहेगा मुझे तो चोरी करना है, कर्म करना है, परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता। हत्यारा हत्या कर रहा है, बोले परिणाम देखा जाएगा, कर्म योगी है हम कर्म कर रहे हैं। कोई गुलामी कर रहा है, कोई बदनामी कर रहा है, कोई दो कोड़ी का घटिया काम कर रहा है और उसको व्यापारियों ने बता दिया है कि तुम जो भी कर रहे हो वो करो, बस फल की चिंता मत करो। और पता है उन्होंने क्यों बताया? उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर वो इसके आगे जोड़ दे कि सही कर्म करो और फल को भुला दो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि तुम काम उन्हीं के पास कर रहे हो। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं, ये सब इन कंपनियों के ही तो पले बड़े हैं, उन्हीं का तो सब काम धंधा आगे बढ़वा रहे हैं तुम्हारे माध्यम से। ये मोटिवेट करते हैं ताकि तुम उन कंपनियों में पड़े रहो, सड़े रहो, भले ही दो कोड़ी का घटिया काम है तुम करते रहो। तो इधर से गीता का उपयोग कर लेते हैं, गीता के नाम पर कुछ भी चटनी चटा देते हैं, कहते हैं जो कर रहे हो करो, फल की चिंता मत करो। तो ये बिल्कुल घटिया और बेहूदी परिभाषा है जिसमें कर्मयोग कहीं है ही नहीं। क्योंकि यदि तुमसे कह दिया गया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो तुम जो कर रहे हो, यही होता है ना जब तुमसे कहा जाता है, तो तुम क्या कहते हो? ठीक है हम जो कर रहे हैं मतलब वही करें, बस उसमें फल की चिंता ना करें। तो तुमने क्या कह दिया कि तुम जो कर रहे हो वो सही ही है। अब तुम चेक ही नहीं करोगे कि तुम जो कर रहे हो सही है कि गलत है, तुम उसे मानोगे कि काम तो सही है बस इसको ऐसे करना है कि फल की चिंता ना रहे। फिर तुम कहते हो कि हम ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, हम कर रहे हैं तो हमें फल की तो चिंता रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि तुम्हारा काम गड़बड़ है और तुमसे कह दिया गया गड़बड़ काम ही करते रहो, फल की चिंता मत करो। अरे भैया गड़बड़ काम करोगे तो फल की चिंता होगी ही होगी। तो इसे कर्मयोग नहीं कहते कि कुछ भी करो, डूब के करो, बस फल की चिंता मत करो, ये कर्मयोग नहीं है। फिर कर्मयोग क्या है, अलग अलग तरीके से हम इसको समझेंगे, ध्यान से सुनना। अगर कृष्ण के पास जाओगे, कृष्ण से पूछोगे, तो कृष्ण क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि तू ऊंचे से ऊंचा काम कर जो सही हो, जो जरूरी हो। तुम ऊंचे से ऊंचा कर्म करो जो सही हो, जो जरूरी हो, और उसका जो फल है वो मुझे समर्पित कर दो। और फल कृष्ण को समर्पित करने का अर्थ है धर्म को समर्पित करना, सत्य को समर्पित करना, संसार के कल्याण को समर्पित कर देना। हमने धर्म को चुन लिया है, उसके लिए जो सही है, जो जरूरी है, हम वो कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो धर्म जाने, हारेंगे या जीतेंगे हमें नहीं पता, मरेंगे कि जिएंगे हम नहीं जानते। काम हमने सही चुन लिया है जो जरूरी है और बहुत बड़ा है, और झोंक दिया हमने उस काम में खुद को, और कुछ इस तरह से हमने खुद को उस काम में झोंका है कि हमें पता ही नहीं कि परिणाम क्या होगा। अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, तीर पे तीर आ रहे हैं, घाव लग रहे हैं, कहां याद रहेगी कि परिणाम क्या होगा? परिणाम के बारे में सोचने लगे तो अभी कोई तीर आएगा और सीधा गर्दन के पार निकल जाएगा। तो लड़ाई इतनी बड़ी चुन लो, चुनौती इतनी बड़ी उठा लो कि तुम्हें परिणाम की खबर ही ना रहे, ख्याल ही ना आए। तो कृष्ण कहेंगे अर्जुन तो युद्ध कर, डुबा दे युद्ध में, क्योंकि यही सही है और यही जरूरी है। अब हारता है हार जाना, मरता है मर जाना, जिए तो जी लेना, जीते तो जीत जाना, जो होगा वो देखा जाएगा, वही सही है, जो भी हो स्वीकार करना कि यही सही है। तो ऐसा क्यों है कर्मयोग में कि लक्ष्य को ध्यान में मत रखो, लक्ष्य मत रखो, मत बनाओ, बल्कि कर्म करो, सही कर्म करो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यदि आप किसी लक्ष्य के लिए कोई कर्म करते हैं ना, देखिए अपने जीवन में आप यदि किसी लक्ष्य को पाने की खातिर यदि कर्म करते हैं तो आपका ध्यान उस लक्ष्य पर होता है, उस परिणाम पर होता है, ना कि कर्म पर। आप कर्म कर रहे होते हैं लक्ष्य के अनुसार, आपके कर्म बदल जाते हैं अपने उस परिणाम के को देख करके।
आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा परिणाम चाहिए तो उसके लिए ऐसा कर्म करेंगे। तो सोचिए, यदि आपका लक्ष्य ही गलत है तो उसके लिए जो कर्म कर रहे हो वो भी गलत ही करोगे। लक्ष्य ही गलत है और उसके लिए यदि जी जान से कर्म करने लग गए तो भी गलत हो जाएगा। और लक्ष्य सही है और कर्म भी किए जा रहे हो, पर कर्म को डूब कर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लक्ष्य की चिंता रहेगी हमेशा, ये भय बना रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि हार जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य हासिल ना हो। और जब परवाह रहती है, चिंता रहती है, तो कर्म पूरी तरह से कर नहीं पाते हो। इसको एक साधारण तरीके से समझ लो। कोई व्यक्ति यूं ही मौज मस्ती में बैठा है, कूद रहा है, कोई बच्चा मान लो, उसका तुम फोटो खींच लो, बहुत सुंदर आएगा, और उससे कह दो फिर दूसरी बार कि हम तेरा फोटो खींच रहे हैं, फिर देखना वो कैसे तैयार होगा फोटो खिंचाने के लिए। फिर उसका फोटो उतना सुंदर नहीं होगा, उतना सहज और सरल नहीं होगा, उसमें वो सौंदर्य नहीं होगा। तो ये हो जाता है जब लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है तो हम लक्ष्य के अनुसार अपने कर्म को, अपने व्यवहार को बदल देते हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य की परवाह रहती है, परिणाम की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा। तो उसमें सहज कर्म नहीं हो पाता, केवल कर्म नहीं हो पाता। तो निष्काम कर्म में तुम्हें युद्ध करने का अधिकार है मात्र, तुम्हें सिर्फ चुनाव का अधिकार है कि तुम चुन लो कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है, किंतु उसका परिणाम क्या होगा उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। किंतु देखो, हमारी ये समस्या है, हम लोगों की ये समस्या है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, चाहे जो भी हो, सदा उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उसका अंतिम परिणाम होता ही है। और उस अंतिम परिणाम को, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हम कर्म करते हैं। देखो अपने जीवन में, क्या तुमने कोई भी ऐसा काम किया है, कुछ भी ऐसा करते हो जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जिससे तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? बिना लक्ष्य के, बिना परिणाम के तो तुम नहाते भी नहीं हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, दो पल बैठते भी नहीं हो शांति से। तो ये हमारी समस्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम रहता है, जिसकी हमें परवाह रहती है, जिसके खातिर हम वो कर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए वह कर्मयोग नहीं होता। और वह कर्मयोग नहीं होता इसीलिए हमारे जीवन में सारे काम अंड बंड होते हैं, और उनके कारण हम दुख भी पाते हैं, क्योंकि हम कोई कर्म अगर कर रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य यदि है तो हम उस लक्ष्य को पाना चाहेंगे, और वो लक्ष्य यदि नहीं मिलता है तो हमें हताश होना पड़ेगा, हमें दुख होगा, क्योंकि हमने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ, अवसाद होगा। देखते हो ना, कितने लोग होते हैं परीक्षा देते हैं और पास होने के लिए, क्योंकि पास होना था उनको इसलिए उन्होंने एग्जाम दिया था, और पास नहीं होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। ये इसी बात का तो प्रमाण है कि तुमने लक्ष्य की खातिर कर्म किया था और लक्ष्य नहीं मिला तो हताश हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। और दूसरी बात ये कि लक्ष्य की खातिर करते हो और लक्ष्य मिल भी जाता है तो देखो, इस संसार में तो ऐसा है कि चाहे तुम कितने ही लक्ष्य पूरे कर लो, संसार की कोई भी चीज तुम्हें संतुष्टि दे नहीं सकती। तो लक्ष्य की खातिर तुमने कर्म किया किंतु उस लक्ष्य को पा लिया, उसके बाद भी तुमने पाया कि तुम्हें वो मिला नहीं जो चाहिए था, प्यास अभी भी बाकी है, कुछ कमी अभी भी है, कुछ खालीपन है, कुछ सुनापन है, कुछ है जो अभी मिला नहीं, अभी तुम तृप्त हुए नहीं। तो लक्ष्य पाओ तो भी हताश हो जाओगे, परेशान होगे, दुखी होगे, और लक्ष्य ना पाओ तो होना ही है। शादी नहीं हुई तो परेशान, शादी हो गई तो बीवी बच्चों और पति से परेशान, नौकरी ना मिली तो परेशान, मिल गई तो बॉस से परेशान, यही होता है ना। तो ऐसा होता है जब किसी भी कर्म का लक्ष्य होता है, हम जो भी करते हैं यदि उसका लक्ष्य होगा तो वो लक्ष्य मिल जाएगा तो भी तुम दुख पाओगे, नहीं मिलेगा तो भी दुख पाओगे। और ये हमारे जीवन की हमारी बहुत बड़ी समस्या है जो हम हर समय करते रहते हैं, और इसी कारण हम दुख पाते हैं। तो फिर निष्काम का अर्थ क्या हुआ? निष्काम होने का अर्थ हुआ केवल सही चुनाव। तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है, तुम बस चुन लो, सही को चुन भर लो बस। अर्जुन, तुम कृष्ण को चुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास मात्र चुनाव का अधिकार है। तुम सही लड़ाई चुन लो, तुम सही कर्म चुन लो, तुम कृष्ण को चुन लो और आगे का काम कृष्ण का। तुम सही कर्म चुन लो, आगे का काम कृष्ण का। यदि गीता की जरूरत लगी तो तुम्हें वो गीता सुना देंगे, किंतु तुम देखो अपने जीवन में क्या तुम ऐसा करते हो।
तुम्हें पता भी होता है कि सही काम क्या है, सही कर्म क्या है, किंतु तब भी तुम चुनते हो क्या? नहीं चुनते ना। अधिकांश समय तो पता होता ही नहीं है, किंतु जब पता होता है क्या तब भी चुनते हो? नहीं चुनते। क्यों नहीं चुनते? क्योंकि तुम परिणाम पर नियंत्रण पाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि उसका जो परिणाम हो वो तुम्हारे अनुसार हो। किंतु जब भी तुमने पाया होगा, तुमने देखा होगा कि सही क्या है, तब तुमने पाया होगा कि इसका परिणाम तो बड़ा भयानक हो सकता है। तो सही काम जो है उसके परिणाम के बारे में सोच करके तुम उस सही काम को नकार देते हो, तुम उसे करते ही नहीं हो। तुम्हें पता है कि कुछ सही है, किंतु तुम्हें उसके परिणाम की चिंता है। परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, या तुम हार सकते हो, कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ा काम उठाओगे, कोई सुंदर काम उठाओगे, तो उसमें हार जाने की, मिट जाने की चिंता होगी। तो परिणाम की परवाह तुम पहले कर लेते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। तुम खेल खेलते ही नहीं हो ये कह करके कि हम खिलाड़ी तो बनेंगे ही नहीं, हम थोड़ी ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे, तो तुम शुरुआत ही नहीं करते हो, तुम चुनते ही नहीं हो। तो कर्म योग तो चुनाव ही है, सही का चुनाव। तुम बस चुन भर लो, सही को तुम चुन लो, परिणाम क्या होगा उस पर ध्यान मत दो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हम परिणाम के लिए कर्म कर ही नहीं रहे, हम तो बस हम इसलिए कर्म कर रहे हैं क्योंकि कर्म सही है और जरूरी है, बहुत बड़ा काम है और आज बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। अब जो काम सही है, बड़ा है और जरूरी है, तो पूछने थोड़ी ना जाएंगे इसका परिणाम क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। काम यदि सही है तो परिणाम भी सही होगा, और हमारे अनुसार सही नहीं होगा तो जो होगा वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो हमें सही नहीं लग रहा हो, सही होते हुए भी हो सकता है वही हमारे लिए सही हो। होता है ना कभी कभी कि बच्चा रो रहा है पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए, पर उसके लिए सही वही होता है ना, तो उसको लगवाया जाता है भले वो रो रहा है। तो हो सकता है कि हमें परिणाम बुरा लग रहा हो, किंतु क्या पता वही हमारे लिए सही हो, क्योंकि काम सही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुम सिर्फ चुन लो, तुम कृष्ण को चुन लो, तुम सत्य को चुन लो, तुम धर्म को चुन लो, और डूब कर वो कर्म करो जो सही है और जरूरी है। और फिर क्या होता है परिणाम, वो तुम धर्म को सौंप दो, वो तुम सत्य को सौंप दो, वो तुम कृष्ण के सामने समर्पित कर दो कि तू जान क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, तू देखना, हमने तुझको सौंप दिया, तू हम पे करवा ले जो करवाना चाहता है। सौंप दिया अर्जुन ने, कह दिया कि ठीक है हमने आपको सौंप दिया स्वयं को, अब आप बताइए हम क्या करें, हम करेंगे, आप जानो अंत में होना क्या है, युद्ध का परिणाम क्या है, अब वो आप ही जानना। आप कह रहे हो युद्ध करो, ठीक है हम युद्ध करते हैं, आप कह रहे हो जरूरी है और सही है, ठीक है हम करते हैं, ये है निष्काम कर्म। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना निष्काम कर्म के लिए, तीन बातें हैं किसी भी कर्म के संबंध में जांच लेना कि वो निष्काम कर्म है या नहीं। कैसे करना है निष्काम कर्म, या तो लक्ष्य ही ना हो। सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि जो कर्म कर रहे हो वो सही भी है, जरूरी भी है, सिर्फ जरूरी ना हो, सही भी होना चाहिए। नहीं तो जरूरी तो चोर को चोरी करना भी लगता है, जरूरी तो किसी को खाना खाना भी लगता है, जरूरी तो कुछ भी लगता है हमको, बहुत सारे काम है जीवन में, सही भी होना चाहिए। तो ऐसा काम जो सही है और सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले तो कर्म ऐसा हो जो सही हो, जरूरी हो, उसके बाद लक्ष्य के बारे में तीन बातें ध्यान रखना। पहली बात है काम सही हो और जरूरी हो, और दूसरी बात में लक्ष्य है, तो लक्ष्य के बारे में तीन बातें याद रखना कि या तो लक्ष्य हो ही ना। क्यों? क्योंकि यदि लक्ष्य ना होगा तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर रहेगा, क्योंकि लक्ष्य तुम्हें फिर मतलब रहा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, हमें पता ही नहीं कि क्या होना है, हमें बस काम प्यारा है, काम प्यारा है, काम सही है, काम जरूरी है। दूसरी बात, या तो लक्ष्य हो ही नहीं, पहली बात तो ये, दूसरी क्या, लक्ष्य यदि हो तो बिल्कुल असंभव हो, इतना बड़ा काम हो, इतना ऊंचा काम हो कि तुम्हें पता ही है कि देखो भैया हमसे तो पूरा होना है नहीं, पर जहां तक हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि काम सही है और जरूरी है। तो या तो लक्ष्य ही ना हो तो भी काम तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म पर रहेगा, या फिर लक्ष्य इतना बड़ा हो, इतना ऊंचा हो, इतना महान हो कि वो पाना असंभव ही लगे, तो भी तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ कर्म पर रहेगा।
तीसरी, या तो फिर ऐसा करो कि कर्म को ही लक्ष्य बना लो, कर्म का लक्ष्य नहीं, कर्म को ही लक्ष्य बना लो। यदि कर्म ही तुम्हारा, कर्म करना ही तुम्हारा लक्ष्य हो गया तो तुम उस कर्म को ही करोगे, क्योंकि वही तो तुम्हारा लक्ष्य है। तुमसे कहा जाओ जाकर कर्म करो, वही तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम ये थोड़ा नहीं कहोगे कि कर्म करने के बाद क्या होगा, नहीं, तुम कहोगे कर्म ही लक्ष्य है तो ठीक है, हम कर्म ही करते हैं। तो ये चार बातें याद रखो, पहली कि सही काम हो और वो जरूरी हो, तीन बातें लक्ष्य के बारे में रखो कि या तो लक्ष्य बनाओ ही नहीं उस काम के लिए, या फिर वो काम इतना ऊंचा हो और इतना जरूरी हो और इतना बड़ा हो कि उस लक्ष्य को पाने की कल्पना भी ना की जा सके, असंभव ही प्रतीत हो, या फिर तीसरी बात कि लक्ष्य ही कर्म हो जाए, तब तुम निष्काम कर्मयोगी हो जाते हो। जो इस तरह से कर्म करता है वह निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। और यह कब होता है, कोई भी लक्ष्य या कर्म, कोई भी कर्म कब कहा जा सकता है कि वो बड़ा है, सही है, जरूरी है? जब वो कर्म सत्य को समर्पित हो, जब वो कर्म धर्म के लिए हो, जब वो कर्म संसार के कल्याण के लिए हो, जब वो कर्म तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए हो, जब वो कर्म सत्य के लिए हो, कृष्ण के लिए हो। कृष्ण प्रतीक है सत्य का, मुक्ति का, प्रेम का, शांति का, संसार के कल्याण का। तो जब तुम्हारा कर्म इनके लिए हो तब ही वह निष्काम कर्मयोग कहलाएगा, तब ही वह कर्म सही कहला सकता है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने ही कुछ बना लिए, कुछ भी स्वार्थ संसार के देखे देखे, और उनकी ही पूर्ति के लिए यदि तुम कर्म किए जा रहे हो ये कहकर कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, या लक्ष्य की हमें परवाह नहीं है, या हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया, तो वो कर्मयोग नहीं है। तुम कितने बड़े हो, छोटू से हो, धूल के कण बराबर औकात नहीं, और फिर भी अपने खातिर कर रहे हो, कितना कर लोगे? सोचो तो, तुम छोटू से हो और तुम अपने लिए कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा कर्म कितना बड़ा होगा, छोटू सा। जिसके लिए कर्म किया जा रहा है वही यदि छोटू सा है तो उसका कर्म भी छोटू सा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म इतने बड़े के लिए करो। इससे एक बात और जान लेना फिर से कर्मयोग की, कि कर्म इतने बड़े के लिए करो कि वो तुमसे बहुत बड़ा हो तो तुम कर्मयोगी हो जाते हो, क्योंकि अपने ही लिए कर्म करा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तो बहुत बड़ा जो है ना, जो सत्य है सिर्फ वही बड़ा है तो उसके खातिर, जो धर्म है, जो कृष्ण है सिर्फ वही बड़ा है तो उसके खातिर कर्म करो, कर्मयोगी तुम कहलाओगे। और ये कहीं जाकर प्रमाणित नहीं करना है कि हम कर्मयोगी हो गए। तो अब मत कहना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अब कहना कि कर्म सही हो, जरूरी हो और बहुत बड़ा हो और सत्य को समर्पित हो, केवल तब ही तुम कर्मयोगी कहला सकते हो। और इतना और जान लो कि इस लड़ाई में तुम्हारी जीत उसी क्षण हो जाती है जब तुम इसका चुनाव करते हो। लड़ाई यदि सही है तो तुम उसी क्षण जीत गए जब तुमने उस लड़ाई को चुना। तो असली जंग तो चुनाव में ही नहीं थे, असली जीत तो चुनाव में ही नहीं थे। दुर्योधन ने अधर्म को चुना, वो उसी क्षण हार गया। अर्जुन ने धर्म को चुना, वो उसी क्षण जीत गया। अब अंत में शरीर मिटता है या नहीं मिटता है, किसका मिटता है किसका नहीं मिटता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हार और जीत का फैसला तो चुनाव से ही हो जाता है। जिसने सत्य को चुन लिया वह जीत गया, और जिसने सत्य को नकार दिया वह हार गया।